हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं उस रोज़ मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको हम बनाना बताएंगे ठंड से बचने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई। और एक बार बना लेंगे तो आप कई महीनों खाएंगे स्टोर करने वाली मिठाई। और दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा और ये वीडियो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार बनाएंगे, महीनों भर खाएंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैंने बनाने के लिए लिए तिल। तिल हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो हमें ठंड से भी बचाते हैं, क्योंकि इनको खाने के बाद में ठंड बहुत कम लगती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। और कम मेहनत में बनने वाली मिठाई है ये, जो ठंड में बनाई जाती है और बिना चीनी के, बिना गुड़ के बनाएंगे, बिना घी के। तो देख सकते हैं, मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तो गैस हमारे, जो मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई हल्की गर्म हो चुकी है। तो हल्की कढ़ाई गर्म होने के बाद में हम इसमें तिल डालेंगे और तिल को हल्का सा हम सेकेंगे, ज़्यादा कलर तिल का चेंज नहीं करना है। और सर्दियों में तो तिल के लड्डू या तिल की मिठाई सभी को खाना चाहिए, क्योंकि तिल के सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं, क्योंकि तिल में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो हमारे को जो ठंड के मौसम में ठंडी से बचाते हैं। और इसको आप स्टोर करके खा सकते हैं, इस मिठाई को आप एक बार बनाएंगे तो कई महीनों खाएंगे। तो सुबह शाम आप एक एक पीस खाएंगे तो आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और बहुत ज़्यादा फायदा भी करेंगे आपके शरीर के लिए, हड्डियों के लिए। तो देख सकते हैं, जो हमारे तिल थे वो अच्छे से सिकना स्टार्ट हो चुके हैं। जब तिल सिकते हैं तो ये अच्छे से तड़कना लग जाते हैं, तड़कने लग जाते हैं, ये कढ़ाई से इधर उधर भागने लग जाते हैं जब तिल सिकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हल्के हल्के तिल हमारे सिकना स्टार्ट हो चुके हैं और तिल का हमें कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। और दोस्तों, ये मिठाई सर्दियों के लिए सबसे स्पेशल मिठाई है, क्योंकि इसको ठंडी में ही ज़्यादा खाया जाता है। तिल को ठंड में ही ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो देख सकते हैं, तिल हमारे सिकना स्टार्ट हो चुके हैं, सिक चुके हैं, आधे तिल हमारे सिक चुके हैं। तो देख सकते हैं, इधर उधर तिल भाग रहे हैं ये। तो तिल का हमें इतना ही कलर चेंज करना है, ज़्यादा कलर तिल का चेंज नहीं करेंगे। तो तिल सिक चुके हैं, गैस को अब हम बंद कर देते हैं और इसको अब हम जो मिक्सी का जार होता है ना, उसमें अब हम बिल्कुल इसको बारीक पीसेंगे। तो ये मैंने मिक्सी का जार लिया, तो इसमें डाल देते हैं तिल को और इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं तिल को। तो ये देख सकते हैं, मैंने जार को में डाल दिया है तिल को, अब हम पीस लेते हैं और इसको हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। तो मैंने तिल को पीस करके, देख सकते हैं, ये मैंने प्लेट ली है, तो प्लेट बड़ी वाली प्लेट ली है, तो इसमें हम तिल को डाल देते हैं। तो तिल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और इस तरीके से हम हल्का सा हाथों से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने चलने लिए और ये मैंने जो बारीक वाली बूरा होती है ना, वो वाली ली है, क्योंकि मैंने इसमें चीनी या गुड़ का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमें घी का भी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इससे जो मिठाई का जो टेस्ट आएगा ना, बहुत ही हटके आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि ये खाने में इसका जो स्वाद है ना, और भी डबल हो जाएगा इससे, इसको डालने के बाद में। और हम तीनों चीज़ों को ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये मैंने हल्की सी मलाई ली है, तो मलाई मैंने डाल दी है, देख सकते हैं। तो अगर आपके पास में मलाई नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध का भी, इसमें गुनगुना दूध का भी यूज कर सकते हैं, बट इसको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारी जो मिठाई का बैटर है ना, वो पतला हो सकता है। तो इसलिए हमें सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, ये भी आपको ध्यान में रख के ही डालना है। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने इसमें बूरा का यूज़ किया है, चीनी का भी यूज़ नहीं किया है। और ये देख सकते हैं, हम बिना बटर पेपर के, बिना पॉलीथीन के किसी भी चीज़ का इसमें यूज नहीं करेंगे।
और ये बैटर हमारा बिल्कुल जो मिठाई का बैटर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये सेट होने के लिए तैयार हो चुका है, इस तरीके का हो चुका है ये। और इसमें मैंने बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया है, क्योंकि आप इस तरीके से इसको मसलते रहेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको रोल शेप में, जो मिठाई बनाएंगे ना रोल शेप में बनाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, हमें इसको बटर पेपर का या किसी भी चीज़ का यूज नहीं करना है। और ये बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल चिकना हो चुका है। तो हम थोड़े से ऊपर से तिल और पिस्ता मैंने लिए, देख सकते हैं। तो ऊपर से जब इसकी कोटिंग होगी ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखेगी जो हमारी मिठाई है। तो ऊपर से इस तरीके से हमें कोटिंग कर लेंगे, और इसको हमें दबाते हुए इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे। और ये अभी थोड़ा सा नरम सॉफ्ट है मिठाई का बैटर, तो ये थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये लीजिए हमारी मिठाई का जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसको हम 10 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद भी अच्छे से मिठाई कट सके। तो ये हमारी लीजिए मिठाई बिल्कुल तैयार है, और मैंने इसको फ्रीजर में नहीं रखा है। तो आपको फ्रीजर में इसको नहीं रखना है, क्योंकि ये 10 से 20 मिनट के लिए वैसे ही सेट हो जाती है। तो अब इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से कट कर लेते हैं। अरे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई बनी है, आपको यकीन नहीं होगा। आप एक बार बना करके खाएंगे तो इतनी स्वादिष्ट और इतनी सॉफ्ट है ये मिठाई। तो कटने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है ये मिठाई। अगर आप एक बार बना करके इसको स्टोर करके रख लेंगे, तो अगर आपके घर में मेहमान भी आ जाते हैं तो उनको भी खिलाएंगे, तो वो भी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। और ठंडियों के दिनों में हमारे शरीर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो इस सर्दियों में आप ज़रूर बनाएं इस तरीके की मिठाई और सभी को खिलाएं। तो मैंने मिठाई को इस तरीके से कट कर लिया है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मिठाई हमारी कट हो चुकी है। तो एक को हम कट करके दिखाते हैं, अंदर से भी थोड़ा तोड़ के दिखाएंगे कि अंदर से भी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुई है। और मैंने इसमें घी का भी यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। और इस तरीके से मिठाई बनाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी मिठाई। तो ये लीजिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुई है, अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इस तरीके की ठंड से बचने के लिए मिठाई आप ज़रूर घर में इस सर्दियों में बनाइए, क्योंकि ये ठंड से भी बचाती हैं और हमारी जो बॉडी में बीमारियां हैं ना वो भी दूर भगाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जो तिल है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, और ठंडी से हमें बचाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म होते हैं। तो जो जितनी मैंने मिठाई थी रोल था उनको मैंने काट करके इस तरीके से बना लिया है। तो अब हम मिठाई को सर्व करेंगे, और इसमें मैंने बटर पेपर या घी चीनी किसी भी चीज़ का यूज, मावा किसी भी चीज़ का मैंने यूज नहीं किया है। और ये मैंने लिए प्लेट सर्व करने के लिए। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है, और बहुत ही कम मेहनत में बनी है। और आपका कोई भी घर का मेंबर इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकता है, और इस तरीके से बनाएंगे तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी मिठाई। और ये सर्दियों के लिए स्पेशल मिठाई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अच्छी या बुरी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस सर्दियों में इस मिठाई को ज़रूर बनाएं और आप सभी को खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जा करके हमारी नई नई वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों इस सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए ये मिठाई ज़रूर सभी को खिलाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।